फलों के राजा आम को देखकर मुंह में पानी आना आम बात है। भारत में मुख्य रूप से 12 किस्म के आम पैदा किए जाते हैं और इस आम का इस्तेमाल केवल फल के तौर पर नहीं बल्कि सब्जी, चटनी, पना, जूस, कैंडी, अचार, खटाई, शेक और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने विशेष स्वाद, देश में इसकी भरपूर पैदावार और इसके किफायती होने की वजह से इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम के औषधीय गुण और हेल्थ बेनिफिट भी इसे फलों का राजा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसके औषधीय गुणों को खत्म कर इसे लोगों के लिए नुकसानदायक बना रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मिलावट का कारोबार दिनों दिन फूल रहा है, यहाँ तक कि अब फलों में भी मिलावट होने लगी है। आम को पकाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग हो रहा है जो मानव शरीर को काफी नुकसानदायक होते हैं, जिसकी वजह से त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और लोग अनजाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा मांग फलों के राजा आम की रहती है। बाजार में फलों की दुकान पर ठेलों पर आम ही आम दिखाई देते हैं। यह आम देखने में भले ही सुंदर हों, लेकिन बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। अधिक लाभ के चक्कर में फलों में मिलावट शुरू से ही हो चुकी है। फलों को अप्राकृतिक तरीके से पकाया जा रहा है। आजकल बाजार में मिलने वाले आम में 90% से अधिक आमों में अप्राकृतिक रूप से कार्बाइड से पकाया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से पके हुए आमों की कीमत अधिक होती है, जो व्यापारियों को बाहर से खरीदने पर महंगा ही पड़ता है। इसके चलते थोक व्यापारी कच्चे आम को खरीदकर उसे कार्बाइड जैसे रसायन से पकाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गैस वेल्डिंग में काम आने वाली कार्बाइड का उपयोग आम पकाने में किया जा रहा है। कार्बाइड को आम के बीच कागज से लपेट कर रखा जाता है, जिससे कार्बाइड से गैस निकलना शुरू होती है और उस गैस के संपर्क में आने से आम पकने लगते हैं। 16 से 24 घंटे के भीतर ही आम पककर तैयार हो जाता है। कार्बाइड के संपर्क में आम का जितना हिस्सा आता है उतना ही पकता है, बाकी का हिस्सा छूट जाता है। इसके चलते आम 2 से 3 रंगों का दिखाई देता है। प्राकृतिक रूप से पके हुए आम का 90% हिस्सा पूरी तरह से पका रहता है, जबकि कार्बाइड से पकाया गया आम 55 से 75% तक ही पका रहता है। आम लगा रहे हैं और ये 5 दिन में पक के तैयार हो जाएंगे। ये आम कहाँ से आए हैं? ये मथुरा से आए हैं। तो किस तरह से पक जाते हैं? अपने आप पक जाते हैं? कैसे पकाते हो आप? नहीं, इनमें दवा लगाई जाती है। किस तरह की दवा है वो? क्या नाम है उस दवा का? इसका नाम है कार्बेट। अरे, कार्बेट लगा के पकाते हो? तो इससे कितने दिन में पक जाते हैं? 5 दिन में। तो 5 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा? जी, इसमें मिठास आ जाएगी। अच्छा, कार्बेट नहीं लगाए तो वैसे नहीं पकेगा ये? नहीं, रंग भी नहीं आएगा, कलर भी नहीं आएगा इस पे। अब ये क्या कर रहे हो? इसकी अब तो इनमें सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं इनको। और कार्बेट फिर कब लगाएंगे? कब लगाई जाती है? जब इनको क्रेटों के अंदर रखेंगे तब इसमें एक एक कुड़िया डालेंगे। कितना वजन होता है उस कार्बेट एक कुड़िया में? ज्यादा से ज्यादा मात्र 20 ग्राम। अच्छा, 20 ग्राम एक क्रेट में लगाते हो? पक जाते हैं। जी हाँ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।